अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर टू कल हम कर रहे थे, हमने इसके पहले छः पार्ट किए थे, आज इसका हमने सातवां पार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है कि अगर ए जो है आपको वावल्स दिए गए हों और बी आपको इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स दिए गए हों, तो फिर आपने स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। कल मैंने आपको मेथड बताया था कि ये किस तरह से इसका पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। देखें, एफ बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये है क्या ये एफ इस ए में मौजूद है, ठीक है। और ए की स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर एफ तो नहीं है। एफ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर लिखेंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर एट है कि वी बिलोंग टू ए, क्या वी इस सेट के अंदर मौजूद है, वी भी इसमें मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसका पार्ट नंबर नाइन जो है वो आपको ये दिया गया है कि एक्स बिलोंग टू ए, क्या एक्स इसमें मौजूद है, क्योंकि ए की जो वैल्यूज हैं वो आपको ये दी गई हैं, ए ई आई ओ, तो x तो a के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और पार्ट नंबर इसका 10 है कि z बिलोंग टू b, और b की जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है वो ये दी गई है, a b टू z, ठीक है। तो इसका मतलब है z जो है b के अंदर मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इसका पार्ट नंबर 11 है कि m बिलोंग टू b, चूंकि b की वैल्यू आपको a b c टू z तक दी हुई है, तो इसीलिए m भी जो है ना इसमें शामिल है, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है कि a बिलोंग टू b, ठीक है, क्या a b के अंदर मौजूद है, जी a एक जो है b के अंदर मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक हो गया। ये बेटे क्वेश्चन नंबर जो इसका टू है ये आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर टू का सिलेबस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसको आप अपने होमवर्क में कीजिएगा, जो भी हमने आज इसके पार्ट किए हैं, और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।